कर्नाटक में बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद बहुमत साबित करने में नाकाम रही। जरूरी आंकड़ों का जुगाड़ नहीं होने पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने भाषण में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बीजेपी के फेल होने के बाद अब बारी है कांग्रेस और जेडीएस की। कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने एक दूसरे को चुनाव के दौरान पानी पी पी कर कोसा था, लेकिन अब दोनों गलबहियां करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस के कुमार स्वामी का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी। इस्तीफा देने से पहले अपने भाषण के दौरान येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में कभी भी चुनाव आ सकता है और मैं फिर जीत कर आऊंगा। ये इस बात का इशारा है कि भले ही बीजेपी को रोकने के लिए दो धुर विरोधी साथ आकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन पहले की ही तरह उनकी ये दोस्ती ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी पूरी संभावना है कि कर्नाटक का माइनिंग लॉबी किसके साथ जाता है। रेड्डी बंधु इस लॉबी को लीड करने के लिए पहले से ही बदनाम है, लेकिन अब सरकार गठन के बाद हालात बदल सकते हैं। अथाह पैसों का स्रोत कहे जाने वाले माइंस पर किसका कंट्रोल होता है, इसे लेकर भी माइनिंग लॉबी दोनों दलों की दोस्ती को प्रभावित कर सकता है। चुनाव के दौरान भी दोनों दलों के बीच की अदावत देखने को मिली थी। कई छोटे और जातिगत धार्मिक मसले हैं, जिसकी वजह से दोनों दलों के कई विधायकों की आपसी असहमति की खबरें बीते दिनों सामने आ चुकी है। अगर हालात को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ये असंतुष्टि कांग्रेस जेडीएस की सरकार के सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कर्नाटक में गठबंधन की सरकार का जो पुराना इतिहास रहा है वो दोहराया जाएगा। शायद येदियुरप्पा को भरोसा है कि सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और जल्द चुनाव होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।